नमस्कार। आज के ऑडियो आर्टिकल में हम बात करेंगे विशेष राज्य के दर्जे की। बिहार के यूनाइटेड जनता दल और आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी की मदद से केंद्र सरकार का गठन होने जा रहा है। आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बहुत अधिक समय से की जा रही है। अब ये राज्य फिर से ये मांग कर सकते हैं। क्या होते हैं विशेष राज्य के दर्जे वाले क्षेत्र और क्या इसकी विशेषताएं हैं? भारत के संविधान में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्ष 1969 में पांचवें वित्त आयोग द्वारा जम्मू और कश्मीर, असम तथा नागालैंड को विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा दिया गया था। गाडगिल कमेटी ने विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों के लिए केंद्र सरकार की सहायता और टैक्स में छूट में प्राथमिकता देने का सुझाव दिया था। ऐसे राज्यों के लिए एक्साइज ड्यूटी में भी महत्वपूर्ण छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि वहां बड़ी संख्या में कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्थापित कर सके। विशेष राज्य का दर्जा सामाजिक और आर्थिक भौगोलिक कठिनाइयों वाले राज्यों को विकास में मदद प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इसके लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं। आइए जानते हैं ये मापदंड कौन कौन से हैं। पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति वाले क्षेत्र, कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, पर्याप्त जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाले राज्य, आर्थिक एवं ढांचागत दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ क्षेत्र, खराब वित्तीय स्थिति वाले क्षेत्र। इसके बाद हम समझ लेते हैं आखिर विशेष राज्य का दर्जा मिलने से फायदा क्या होता है। देखिए, अन्य राज्यों की तुलना में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र से मिलने वाली सहायता में कई लाभ होते हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मामले में विशेष दर्जा रखने वाले राज्यों को 90% धनराशि मिलती है, जबकि अन्य राज्यों के मामले में यह अनुपात 60-70% होता है। इन राज्यों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं किया गया धन समाप्त नहीं होता है और आगामी वर्ष के लिए संरक्षित कर लिया जाता है। इसके अलावा विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क, आयकर और कॉरपोरेट कर में भी छूट मिलती है। वर्तमान में भारत में 11 राज्यों को इस श्रेणी में विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। इसमें आपके असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना शामिल हैं। धन्यवाद।